हम सिर्फ 0.177 और फोर प्वाइंट फाइव कैलिबर की एयरगन्स में डील करते हैं जिसके लिए इंडिया में आर्म्स एक्ट दो हजार सोलह के अंतर्गत लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है लेकिन इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है हम किसी भी तरह के वायलेंस को प्रमोट नहीं करते हैं यह एयरगन सिर्फ टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस के लिए होती है और इसका गलत इस्तेमाल करने पर आपके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी हेलो फ्रेंड्स पराशर पराशन में आपका स्वागत है आज मैं आपको लेके आया आई सीओ टू गन जिसका नाम है हेलराइजर पी नाइनटी टू तो येम ये बरेटा जैसे देखने में लगती है लेकिन इसकी वेसिटी बरेटा से थोड़ी सी ज्यादा है जैसे बरेटा की 310 सौ दस एफपीएस की तीन सौ पंद्रह एफ पी बाकी सब कुछ बरेटा जैसा है तो इसके बारे में देख लीजिए फुल ब्लोबैक फुल मेटल अट्ठारह बॉल राउंड बारह ग्राम सिलेंडर और पॉइंट का बॉल बैरिंग डलता है इसमें जिसके लिए इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है तो ये बॉल बैरिंग डलता है इसमें तो हम आपको एक बार गन दिखा देते हैं क्या है ये आपकी गन है तो ये हु बहु बरेटा जैसी है दिखने में कोई भी फर्क नहीं है बस यहाँ पे बरेटा की जगह हेलराइजर लिख रखा है ये बरेटा का एम नाइनटी टू एवन का एकदम सेम देखने वाला पीस है प्रॉपर मेटल का है और सेम वेट है लगभग एक किलो के आसपास तो ये आप देख लीजिए गन ठीक है तो अब मैं इसको बता देता हूं चलाना कैसे है कुछ नहीं है इसमें नॉर्मल मैगजीन निकलती है जैसा असली मैगजीन निकलती है तो आप इसकी मैगजीन निकाल सकते हैं इस मैगजीन में आप 18 बॉल बेनिंग भर सकते हैं और यहाँ पे सी टू सिलेंडर लगता है इसमें खास बात यह होती है कि इसमें मैगजीन में सी टू सिलेंडर दिखाई नहीं देता तो देखने में और ज्यादा रियलिस्टिक वाली फील आती है और ये प्रॉपर ब्लोबैक सिस्टम है सब कुछ है इसमें ऐसे करके तो अब हम आपको इसको भरना सिखाते हैं तो भरने का तरीका बहुत ही आसान है बारह ग्राम का सी टू सिलेंडर और पेलगोन ले लीजिए इसकी मैगजीन खोलिए मैगजीन खोल के आपको जो इसके नीचे ये जो जगह होती है यहां से आपको पहले ये आपको ये रिमूव करना है ठीक है ये सी टू वो सिलेंडर है इसमें आपने एक ड्रॉप सिर्फ एक ड्रॉप पेलगन ऑयल डालना है ताकि ये वार्शर गीली हो जाए ठीक है अब इस वाले एक पॉइंट में लोग बहुत गलती कर देते हैं पहले ध्यान रखना है इसको हाथ से करना है पहला और हल्का से ये थोड़ा टेढ़ा होकर लोड होता है लोगों से हो नहीं पाता तो पहले जितना हो सके उतना हाथ से कीजिए इसको जब हाथ से मुड़ जाए एंड तक फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए नहीं तो लोग चूड़ी घुमा देते हैं और ये गन खराब हो जाती है और इसकी इंडिया में रिपेयर है नहीं तो मुश्किल होती है अब यहां पे आके आपको रुक गया अब ध्यान रखना है आपने आवाज सुनना ये देखो इसकी आवाज़ हमने रोक लिया उसका कुछ नहीं करना अब आपकी गन चलने के लिए बिल्कुल तैयार है तो अब बस इसको चला सकते हो अब खाली में जाके पीछे जाके अटक जाती है दिखाने के लिए लो। अगर मैं ऐसे ये अटक गई क्यों अटकी अगर इसमें आपने बॉल बेरिंग भर रखी है और आप चलाए जा रहे हो और आपने चलाने के बाद आपको पता क्या चलेगा खाली हो गई तो इसलिए अटक जाती है तो अगर आपने इसको खाली में चलाना तो उसको आपको पकड़ चलाना पड़ेगा इस चीज को तो, तो फुल ब्रो बैक है पीछे होता है इसमें लॉक है ये लॉक को अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये अनलॉक हो जाएगी मतलब आप बलाक हो रखिए प्रॉपर आप इससे कुछ ट्रिगर नहीं दबेगा ठीक है तो अब मैं इसकी मैगजीन में आपको बॉल बैनिंग भरने का तरीका बता देता हूँ बॉल बैनिंग करने का भरने का तरीका यही है इसको नीचे कीजिए इसको नीचे करके करके साइड में करके लगा दीजिए यहाँ पे फर्च जाता है इसके बाद अपनी बॉल बैनिंग जितनी भी आपने भरनी हो इसमें अट्ठारह की कैपेसिटी है तो आप अट्ठारह भर सकते हो लेकिन अब हम ही हम थोड़ा सा भर के दिखा रहे हैं आपको इसको यहाँ पे बड़ा छेद है यहाँ पे अपना डाल दीजिए अब इस बात का ध्यान रखना है कि इसको धीरे धीरे ही ऊपर लेके जाना है ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाना है नहीं तो ये बाहर निकल जाती है तो आराम से आपने भर दी बस अब आप चलाना चाहो तो इसको आप चला सकते हो और खाली भी आप इसको चला सकते हो काफी पावरफुल गन है ये तो जैसा कि आपने देखा कि ये चलने बहुत ही अच्छी एयर गन है बहुत अच्छी सी टू गन है और इसका लॉक सिस्टम आपने समझ लिया लॉक लगाने का और इसमें आप लेजर लाइट लगाने की जगह भी है लेकिन उसका कुछ ना कुछ फायदा खास है नहीं बाकी आप देखने में देखिये बिल्कुल अच्छी सी टू गन है तो इसको अगर आपको ये समझ में आई हो और आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए अपने नंबर पे अपना नाम एड्रेस पिन कोड एंड कॉलिंग नंबर भेज दीजिए इसके लिए आधार कार्ड कंपलसरी है अब इसके रेट की बात करते हैं अभी मार्च 2022 में इस गन का रेट अड़तीस हजार रुपए थर्टी चल रहा है क्योंकि सी गन कोई सी भी गन सीओ टू पच्चीस तीस हजार से ऊपर ही आती है तो ये ध्यान रखना कि अगर आप इम्पोर्टेड एयरगन लेना चाहते हैं क्योंकि शूटिंग पर्पज के लिए बनती है निशाने बारी सीखने के लिए बनती है और थोड़ी कॉस्टली ही आती है तो अगर आपको ये गन पसंद आई और आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो अपना नाम एड्रेस पिनकोड एंड कॉलिंग नंबर और आपकी एज अट्ठारह साल से ऊपर होनी चाहिए और आपको आधार कार्ड होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर बिलिंग पे ऑन सीरियल नंबर मिलती है सीरियल नंबर पर बिलिंग बनती है इसकी तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू